तो गाइज मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वेब टैगो को। आज हम रिव्यू करने वाले हैं विक्रांत रोना मूवी रिव्यू के बारे में। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बात करें स्टोरी की तो एक गांव है जिसका नाम कमरुट्टो है, जहां पे एक पुलिस वाले की मौत हो जाती है। पुराने पुलिस वाले को किसने मारा है इसके लिए एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है विक्रांत रोना, जिसको प्ले किया है किच्चा सुदीप ने। और क्या एक्टिंग की है उन्होंने भाई। तो विक्रांत रोना कैसे पता करता है कि पुराने पुलिस वाले को किसने मारा है, ये सब देखने के लिए तुमको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी भाई काफ़ी शानदार है। ये एक फैंटेसी टाइप की मूवी है जिसमें तुमको सस्पेंस थ्रिलर का और हॉरर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जिसको देखते हो तुमको एकदम गूजबम्स आने वाला है। ये काफ़ी डार्क टोन में चलती है, जब तुम इसको देखोगे ना 3D में तो तुमको पलक चल जाएगा। और इसमें काफ़ी जंपी स्केल मूवमेंट है जिसको देख के भाई तुमको काफ़ी डर लगने वाला है। मूवी का जो सस्पेंस है ना वो तो मुझे काफ़ी शानदार लगा, और वो जब एंडिंग में खुलता है ना भाई तुम तो एकदम से शॉक होने वाले हो। इस मूवी में जितने एक्टर्स और एक्ट्रेस ने काम किया है ना भाई उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और जैकलिन फर्नांडिस का रोल जब तुम देखोगे ना भाई तो तुमको पता चल जाएगा कि उनको कितना इम्पोर्टेंस दिया गया इस मूवी में। उनकी डबिंग हिंदी की ना भाई किसी और ने की है। और अगर तुमने रंगीत थरांगा मूवी देखी है ना तो तुम जब ये मूवी देखोगे ना तो उस मूवी की तुमको याद आ सकती है, क्योंकि इसके डायरेक्टर और इसके डायरेक्टर सेम सेम है। तुम इसको एक तरह से प्रीक्वल भी मान सकते हो उस मूवी का। उस मूवी का बजट काफी कम था लेकिन इस मूवी का बजट 95 करोड़ है, और 95 करोड़ में ना जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं ना उनको देख के यार दिल को खुशी मिल जाती है। शमशेरा जैसी मूवी इतने ज्यादा ग्रैंड स्केल पे बनाने के बाद भी यार क्या कर रहे हैं वो लोग पता नहीं चल रहा है। बात कर ऑडियंस की तो ये सभी ऑडियंस को काफी अच्छी लगने वाली, और जिसको सस्पेंस थ्रिलर देखना अच्छा लगता है ना उसके लिए तो भाई काफी अच्छी मूवी है। ये मूवी तुम पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, टेंशन मत लेना। काफी जगह सीन्स को ब्लर किया गया है तो टेंशन की कोई बात नहीं। तो मूवी में सबको अच्छा है, एक्टिंग एक्शन हॉरर थ्रिलिंग सस्पेंस सब कुछ बढ़िया है, तो तुम इस मूवी को जरूर देखना और मुझे बताना कि तुमको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो बहुत अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।